हेलो फ्रेंड्स, टैली ERP 9 में आज हम पेरोल में पे हेड्स क्रिएट करना सीखेंगे। पेरोल इन्फो में आपको यहाँ पे दिया है पे हेड्स, उस पर हम एंटर करेंगे तो इस तरह के आपके सामने पे हेड्स के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे जिसमें हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। पे हेड क्रिएशन विंडो में हमें फर्स्ट हेड क्रिएट करना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हम यहाँ से एंटर करेंगे। पे हेड इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे हेड टाइप दिया है। पे हेड टाइप में हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप की विंडो ओपन दी है जिसमें से हमें सिलेक्ट करना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ यानी कि बेसिक सैलरी वन टाइप ऑफ अर्निंग है एम्प्लॉय के लिए। और अंडर ग्रुप में हमें यहाँ से डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अफेक्टेड नेट सैलरी हमें यस रखनी है। और नेम अपियर इन पे स्लिप में हमें बेसिक सैलरी यानी जो नेम दिया है वही अपियर होगा। और करेंसी सिंबल दिया हुआ है रुपीज़, वही रहेगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में हमें यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू सिलेक्ट करना है तो कंप्यूट जो हम कंप्यूट करेंगे वो वैल्यू अप्लाई करें। यूज़र डिफाइन करोगे तो जो यूज़र यानी कि जो कंप्यूटर में हमने डेटा डाला हुआ है उन्होंने डिफाइन किया वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर लेगा। फ्लैट रेट है, जो अमाउंट हमने फिक्स रखी है वो फिक्स अमाउंट को ही फॉलो करेगा, यानी कि बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अमाउंट हमने डाली है वो उसी अमाउंट को फाइनल अमाउंट समझेगा। उसके बाद ऑन अटेंडेंस है, अगर एम्प्लॉय को हम एज अ अटेंडेंस बेस पे ले रहे हैं तो अटेंडेंस। और ऑन प्रोडक्शन है, अगर हम प्रोडक्शन पीरियड पे ले रहे हैं तो प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ कैलकुलेशन पीरियड दिया हुआ है जिसमें डे मंथ वीक फॉर नाइट हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। और राउंडिंग मेथड में हम यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करके उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे हेड बनाएंगे। नेक्स्ट पे हेड है हमारा DA यानी कि DNS अलाउंस। DNS अलाउंस के लिए हमें यहाँ पे हेड इंफॉर्मेशन में सेम एज पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ जो बेसिक में रखा था बेसिक सैलरी में हमें वही डालना रहेगा। तो हम यहाँ से अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। नेट सैलरी अफेक्टेड में नो करेंगे। और यहाँ से हम लिस्ट ऑफ कैलकुलेशन में सेलेक्ट करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की कंप्यूटेशन ऑफ इन्फो राइट हैंड साइड में ओपन हो जाएगी जिसमें कंप्यूटेशन ऑन करना है और जिसमें आपको दिया है ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। हम स्पेसिफाइड फार्मूला सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम बेसिक सैलरी के ऊपर से स्पेसिफाइड फार्मूला अप्लाई करेंगे और इफ़ेक्टिव डेट सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से आपको स्लैब टाइप में परसेंटेज और वैल्यू हेड्स में हमने यहाँ पर बेसिक वैल्यू के 50% सेलेक्ट किया और अभी हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। उसी तरह से हम नेक्स्ट बनाएंगे दैट इज़ HRA यानी कि हाउस रेंटल अलाउंस। हाउस रेंटल अलाउंस में भी आपको डिफरेंट टू टाइप के अलाउंसेस होते हैं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें अलग रहता है और बाकी की नॉर्मल सिटीज़ में भी अलग रहता है। तो हमें जिस तरह से बनाना है हम यहाँ से बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ पे हेड्स में से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ और अंडर ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और नेट सैलरी अफेक्टेड में हम नो दे देंगे और यूज़र डिफाइन वैल्यू में हम यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे कैलकुलेशन टाइप में। और राउंडिंग मेथड में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नॉट एप्लीकेबल और कंप्यूटेशन इन्फो में हम सिलेक्ट करेंगे और स्पेसिफाइड फार्मूला। स्पेसिफाइड फार्मूला में पे हेड्स में फर्स्ट डालेंगे हम बेसिक सैलरी और सेकंड डालेंगे हम DA। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड फार्मूला दिखा रहा है बेसिक प्लस DA इक्वल टू HRA। तो आपको यहाँ पे अमाउंट अप टू और स्लैब में हम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू अप टू 80% जो बेसिक और DA की है वो लेनी रहेगी HRA के अंदर। इस तरह से वो कैलकुलेशन करेगा, हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। तो इस तरह से हमारा थर्ड पे हेड भी क्रिएट हो गया। अभी नेक्स्ट हम F11 और F3 करके सिचुएटरी एंड टैक्सेशन में हम यहाँ से अनेबल पेरोल
एंट्री को यस करेंगे और सैटल्टोर पेरोल सिट्यूटरी को यस करेंगे। पेरोल सिट्यूटरी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी जिसमें आपको यहाँ पे दिया है प्रोविडेंट फंड, कंपनी कोड डिटेल, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स डिटेल। अगर आपको ये सारी डिटेल फिलअप करनी है तो आप फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको एज इट इज़ छोड़ के आप एक्सेप्ट भी करवा सकते हो। जैसे कि हम इसको एज इट इज़ छोड़ के एक्सेप्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनी टाइप में गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन ऑफ टैक्स को भी हम ऐसे ही एस्केप कर देंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे। पेहेड्स में अभी हम नेक्स्ट बना रहे हैं पेहेड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ। एम्प्लॉयज़ ईपीएफ सेलेक्ट करके हम यहाँ से पेहेड्स में से सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ सिट्यूटरी डिडक्शन, और जिसमें से हम सिट्यूटरी पे टाइप में सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पीएफ अकाउंट, और यहाँ पे से करंट लायबिलिटी सिलेक्ट करेंगे अंडर ग्रुप, और अफेक्टेड नेट बेसिक में नो करेंगे यानी कि नेट सैलरी में हम नो करेंगे, और बाद में कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे ऑन मंथ बेस, और राउंडिंग मेथड में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नॉट एप्लीकेबल सॉरी नॉर्मल राउंडिंग, और लिमिट हम रखेंगे 1। कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन में ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। पे हेड में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बेसिक और एक्सेप्ट करवा देंगे। बेसिक के ऊपर इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2013, स्लैब टाइप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और वैल्यू 12% ऑफ बेसिक, और हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे एम्प्लॉयज़ ES employees EPS payheads में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे employees statutory contribution employees statutory contribution सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, और हम एम्प्लॉय सिट्यूटरी कंट्रीब्यूशंस में से हम यहाँ से ईपीएस अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और अंडर ग्रुप में हम यहाँ से डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और राउंडिंग मेथड में हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल राउंडिंग मेथड, और लिमिट में 1 करेंगे। कंपटीशन ऑन में ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफाइड फॉर्मूला में हम बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट में आपको जो भी अमाउंट देनी है आप यहाँ पे अमाउंट डिफाइन कर सकते हो परसेंटेज। वैल्यू बेसिक में हम यहाँ पे 8.33% डाल रहे हैं ईपीएस के लिए, और परसेंटेज सिलेक्ट कर रहे हैं 5.60%, और हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। तो इस तरह से हम पेहेड्स क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।